क्या आप मानती हैं कि मुझसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है? मुझ में ही निवास है और सब मुझ में ही लय होते हैं। जो कुछ भी है वो मुझ में ही है और जब कुछ नहीं भी रहेगा तो भी मैं रहूंगा। जो आज हमें अनर्थकारी लगता है भविष्य में वही पश्च दृष्टि से संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य प्रतीत होगा। यही व्याकुलता, यही भय, यही संशय, ये सब संतोष व सुखानुभूति में परिवर्तित हो जाएगा। जीवन कई बार हमारे समक्ष विकल्प प्रस्तुत करता है, हम उन विकल्पों से क्या चुनते हैं क्या नहीं, इससे हमारा चरित्र और हमारा व्यक्तित्व प्रत्यक्ष होता है। और यही चुनाव मान और साधारण का सीमांकन करता है। सत्य तो वो होता है शब्द जो शाश्वत है, जिसका अस्तित्व किसी के होने या ना होने से परिवर्तित नहीं होता, किसी के कुछ करने या ना करने से परिवर्तित नहीं होता। ही सत्य का अस्तित्व किसी के उस पर विश्वास करने या ना करने पे आश्रित होता है। तुम ये सोच रहे हो कि नारायण और मैं तुम्हारे विरुद्ध, किंतु क्या ये सत्य है शंकरजी? संपूर्ण सत्य, सत्य के अनावरण का प्रयास सत्य को और भी रहस्यमय बना देता है। सत्य को नष्ट करने के लिए मत ढूंढो शंकरजी, चुनौती समझ के मत ढूंढो, स्वीकार करने के लिए ढूंढो सत्य को, तो ही सत्य प्रत्यक्ष होगा।